हेलो दोस्तों दोस्तों इस वीडियो में हम सीखेंगे कि बेजी सॉफ्टवेयर के अंदर अपना नया आइटम कैसे क्रिएट करें, और कभी अगर उस पर चेंजेस करने हो तो उसको मॉडिफाई कैसे करें, या फिर कोई ग्रुप अगर आपको क्रिएट करना है तो वो कैसे क्रिएट करें, या यूनिट कैसे क्रिएट करें। तो हम इसी के बारे में आज सीखेंगे। तो आप सबसे पहले अपनी कंपनी को ओपन करें। जब आपकी कंपनी ओपन हो जाएगी तो सबसे पहला पोर्शन आपको यही देखने को मिलेगा, एडमिनिस्ट्रेटर मास्टर। अब आइटम क्रिएट करने के भी दो से चार तरीके हैं, वो पहले मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला ऑप्शन तो आपको इसी में मिल जाता है कि मास्टर पे आप जैसे ही आते हैं तो आप देखेंगे कि जो सेकंड स्लैब है वो आइटम का ही है। आइटम पे आप क्लिक करके, ऐड पे क्लिक करके और अपना आइटम यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। तो पहला तो ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन इसमें है, आप राइट हैंड साइड में देखेंगे तो आपको शॉर्टकट कीज दिखती हैं, वहीं पे आपको थर्ड नंबर पे आप देखेंगे अपने कीबोर्ड से अल्ट F2 प्रेस करेंगे तो डायरेक्टली ये फॉर्म ओपन हो जाएगा आइटम क्रिएट करने का। यदि आप माउस से भी अगर यहाँ पे क्लिक करते हैं तब भी आप इसको क्रिएट कर सकते हैं। तो ये तीसरा तरीका है। चौथा तरीका ये है कि जब आप कोई ट्रांजेक्शन करते हैं, परचेज चढ़ा रहे हो या सेल चढ़ा रहे हो, क्योंकि आइटम की ज़रूरत दोनों में ही होती है, और जैसे ही आप आइटम के पोर्शन पे आते हैं तो आपके एग्जिस्टिंग आइटम दिखते ही हैं, लेकिन आपको अगर इंस्टेंटली आइटम को बनाना है तो आप यहाँ पे F3 का बटन प्रेस करके अपने आइटम को क्रिएट कर सकते हैं। तो यानी कि चार तरीके हैं जिनसे आप अपने आइटम को क्रिएट कर सकते हैं। तो हम सिंपली डिस्प्ले के राइट हैंड साइड में जो शॉर्टकट कीज है यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं, ऐड आइटम पे। अब जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया तो आप देख रहे होंगे कि एक फॉर्म ओपन हो गया, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बात करी थी। तो वैसे ही यहाँ पे कुछ फॉर्म्स हैं जो आपको फिल करने हैं, जो आइटम बनाने के टाइम के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। जैसे कि नेम में आपको अपना आइटम का नाम डालना है। जैसे मैं आइटम का नाम डालता हूँ शिपर बॉटल, वन लीटर। और एलियाज में आप कुछ भी शॉर्टकट्स के लिए आइटम कोड यहाँ पे डाल सकते हैं, या कोई भी अगर आपको शॉर्टकट्स कुछ चीज़ें डालनी तो यहाँ पे आप डाल सकते हो, इसे यूज़ कर सकते हो। ग्रुप में आप देखेंगे, आप जनरली यहाँ पे एक ग्रुप बना होता है जनरल। अगर आप चाहते हैं अपने हिसाब से ग्रुप बनाना कि आप यहीं पे F3 बटन प्रेस करें, और जैसे कि मैं एक ग्रुप बना देता हूँ बेबी बेबी प्रोडक्ट के नाम से, और एलियाज में भी इसमें कुछ भी डाल सकते हैं। अगर आपको इसे प्राइमरी ग्रुप रखना है तो यस कर दें, अगर नहीं रखना तो इसे नो ही रखें, और अंडर ग्रुप इसका जनरल रखें जैसा कि अभी बन रखा है। उसके बाद अगर जो भी आपने ग्रुप बनाया है, अगर उस ग्रुप के सभी HSN सेम हैं और सभी टैक्स कैटेगरी सेम हैं तो आप उसको यहीं पे पहले से डिफाइन कर सकते हैं, ताकि जब भी आप आइटम को क्रिएट करें तो आपको ये बार बार HSN वगैरह ना डालना पड़े। अगर आप करना चाहें तो इसे यस करके डाल सकते हैं और टैक्स कैटेगरी भी बता सकते हैं। तो ये मेरा ग्रुप बन गया। अब जैसे ही मैंने ग्रुप पे एंटर किया तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे टैक्स कैटेगरी ऑटोमेटिक 12% और HSN ऑटोमेटिक लग गया, जो कि हमने पहले से डिफाइन कर दिया इस ग्रुप के अंदर। अब यूनिट में क्या है कि आप इसको अगर पीसेस में बेचते हैं, पीसेस ले सकते हैं, किस केजी में बेचते हैं केजी। अगर कोई ऐसा यूनिट है जो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो आप यहां पर भी F3 का बटन प्रेस करेंगे। जैसे ही ये विंडो ओपन हो जाएगी तो यहां पर भी आपको एक से दो चीज़ें जो लिखनी है अपने यूनिट के बारे में, कि यूनिट नेम क्या है। तो मैं यूनिट का नेम डाल देता हूं, और उसके बाद एलियाज, आपको हर जगह एलियाज मिलेगा, आपके शॉर्टकट्स या आप कुछ भी चीज़ें इसमें डाल सकते हैं, जो भी आपको डालना है। उसके बाद आपको मिल जाता है UQC, क्योंकि GST ई रिटर्न के लिए जो हर स्लैब एक वो होते हैं, तो आपको यहाँ बताना पड़ेगा कि ये नोज आप कौन सी कैटेगरी में डालना चाहते हो। जैसे नोज जो है वो नंबर्स में आते हैं, तो मैं इसको नंबर्स में डाल देता हूँ, और इसको मैंने सेव कर दिया। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारी यूनिट रेडी हो गई है। उसके बाद आपको मिलता है ओपनिंग स्टॉक। अगर आपको ओपनिंग स्टॉक डालना है कि इसका, तो डाल सकते हैं, और यहाँ पे उसकी वैल्यूएशन डाल सकते हैं कि क्या वैल्यूएशन है। उसके बाद ये ऑटोमेटिक आ गया है, अगर नहीं आता तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद है सेल प्राइस, कि आप इसको कितने में सेल करना चाहते हैं, और उसके बाद परचेज प्राइस है कि आपके पास परचेज कितने में आता है, MRP कितने की है। अगर ये सारी चीज़ें आप पहले से डालना चाहें डाल सकते हैं, नहीं तो क्या है कि जब आप सेल परचेज करते हैं तो वहाँ पर भी आप सारी चीज़ें मैनुअली डाल सकते हैं। मिनिमम सेल प्राइस डाल सकते हैं, मिनिमम में यह है कि आप जब भी इसको सेल करेंगे, अगर आप कोई ज़्यादा ही लो प्राइस पे इसको बेचते हैं तो बिजी इंडिकेट कर देगा कि ये आपका
सबसे लास्ट रेट है, और आप सेल्फ वैल्यूएशन अगर डालना चाहें अपने अकॉर्डिंग तो अपने अकॉर्डिंग डालना चाहें, नहीं तो परचेज के थ्रू ये ले लेता है। उसके बाद है टैक्स इंक्लूसिव सेल प्राइस और टैक्स परचेज इंक्लूसिव। अगर आप इसको यस करते हैं तो जब भी आप सेल करेंगे तो ये ऑटोमेटिक जो है इंक्लूसिव ही इसका जीएसटी जाएगा, और इसमें भी ये, और जब भी इस आइटम को किसी अकाउंट के थ्रू मेंटेन करना है तो यहाँ पे आप उसका जो है एक स्पेसिफिक अकाउंट बता सकते हैं अपने हिसाब से, बाय डिफॉल्ट रहता है। अगर कोई आप अपने अकॉर्डिंग कोई अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं जिसको इस इन्वेंट्री को ट्रैक करें तो आप ये कर सकते हैं, डिफॉल्ट अपने आप ही ये ऑटोमेटिक है, मोस्टली करना नहीं पड़ता कुछ भी। उसके बाद आपको मिलता है सेल डिस्काउंट। सेल डिस्काउंट में अगर आप यहाँ पे डालते हैं तो जब भी आप सेल करेंगे तो ऑटोमेटिक इसका डिस्काउंट उठकर आ जाएगा, जिससे आपको याद रखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे ही परचेज में है कि जब भी आप परचेज डालेंगे, जो भी पार्टी आपको ये सामान दे रही है अगर कोई डिस्काउंट देती है आपको तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। और यहाँ पे डिस्काउंट का स्ट्रक्चर है, अगर आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं। स्ट्रक्चर मीन्स जैसे कि आप कैश डिस्काउंट देना चाहते हैं, आप जैसे बहुत तरीके के डिस्काउंट होते हैं कि अगर आप डेबिट कार्ड से पेमेंट करते हैं तो इतना डिस्काउंट मिलेगा, कैश पेमेंट करते हैं तो इतना डिस्काउंट मिलेगा। तो इसी तरह के जो है स्ट्रक्चर है डिस्काउंट के, अगर आपकी फर्म में कोई ऐसा स्ट्रक्चर है डिस्काउंट का तो आप यहाँ पे बना सकते हैं। और ऐसे ही अगर आपको परचेज में कोई डिस्काउंट का स्ट्रक्चर मिलता है, जैसे कि कैश डिस्काउंट का पेमेंट के ऊपर है या बहुत सी चीज़ें, तो आप यहाँ पे भी बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आइटम के डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं आप फुल डिटेल में। फिर आपको यहाँ पे देखने को मिलता है सेट क्रिटिकल लेवल। यहाँ पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि मिनिमम लेवल कितना है, रीऑर्डर लेवल कितना है। तो आप यहाँ पे पहले से बता सकते हैं कि कम से कम आइटम आपके पास कितने होने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा आइटम आपके पास कितने होने चाहिए, और जब आइटम कितने बचे तो ऑटोमेटिक उसका रीऑर्डर बन जाए। तो आप यहाँ पे पहले से ही बता सकते हैं, और ये बहुत अच्छा फीचर है अगर आपको इन्वेंट्री को अच्छे से मेंटेन करना है। उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको यह ऑप्शन है स्किप जीएसटी रिपोर्ट। अगर इस आइटम को आप जीएसटी रिपोर्ट के अंदर नहीं चाहते तो इसे यस कर दें। और डोंट मेंटेन स्टॉक बैलेंस, अगर आप इसका बैलेंस मेंटेन नहीं करना चाहते स्टॉक का तो इसे भी आप यस कर सकते हैं। ये किस लिए यूज़ होता है, जैसे कि जो सर्विस में है वो ज़्यादातर यूज़ करते हैं इसको, जैसे कोई टीवी रिपेयर करता है या एसी सर्विस करता है, इस तरह की किसी भी तरह की सर्विसेज है जिसमें इन्वेंटरी को मेंटेन नहीं करना होता तो वो इसको यस करते हैं। बाकी अगर आपको सेल्फली अगर नहीं मेंटेन करना अपनी इन्वेंट्री को तो आप इसे यस कर सकते हैं। यहाँ पे स्पेसिफाइड डिफॉल्ट वेंडर है, अगर आप डिफॉल्ट वेंडर कर देते हैं कि यह आइटम आपका इसी पार्टी से आता है तो डिफॉल्ट यही पार्टी आपको परचेज लेगा, सेव कर देंगे, आपका आइटम सेव हो जाएगा। अब दूसरा जो क्वेश्चन है कि कोई आइटम अगर क्रिएट कर दिया है उसमें कुछ चेंजेस करने हैं तो वो कैसे करें, तो उसके लिए आपको एडमिनिस्ट्रेटर पे आना है, और एडमिनिस्ट्रेटर पे आपको मास्टर, मास्टर के अंदर आपको आइटम, और आइटम में आपको मॉडिफाई, और मॉडिफाई में आप आइटम सर्च कर लोगे। यदि आपके ज़्यादा आइटम है, जैसे मेरे तो यहाँ दो ही आइटम बने, तो आप आइटम को सर्च कर कर और यहाँ पे जो भी चेंजेस करना चाहते हैं, सपोज कि मैंने इसका रेट गलत डाल दिया तो मैं इसका रेट ठीक कर देता हूँ, तो मैंने इसका रेट ठीक कर दिया। एक्स वाई जेड अगर आप कुछ भी चेंजेस करना चाहें तो चेंजेस कर सकते हैं, और डायरेक्टली इसको सेव करना चाहते हैं तो F2 बटन प्रेस करके सेव कर सकते हैं। तो ये हो गया, आप कैसे क्रिएट करें, कैसे मॉडिफाई करें, और लिस्ट में आपको क्या है, जितने भी आपके आइटम्स हैं वो सभी आइटम्स आपको एक साथ देखने को मिल जाता है, कैटेगरी वाइज भी, जैसे जैसे आप देखना चाहें, ग्रुप वाइज या कैटेगरी वाइज। तो देख रहे हैं आप, पहली जो इन्वेंट्री है वो उसका ग्रुप मेरा जनरल है, और जो दूसरी इन्वेंट्री है उसका ग्रुप मेरा बेबी प्रोडक्ट है। और अब बात आती है कि ग्रुप की, ग्रुप को भी अगर आपको मॉडिफाई करना है या कोई नया ग्रुप ऐड करना है तो आप बाहर से भी आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेटर है कि जब आप इन्वेंटरी बनाएं तो उसी टाइम आप उसको बना लें, ताकि वो आपके लिए मतलब बाहर बाहर से आपको क्रिएट करने के लिए। ताकि बाहर से क्रिएट करने की आपको जरूरत ही ना पड़े। अब मैं जैसे मॉडिफाई कर लेता हूँ कि मैंने जो बेबी प्रोडक्ट डाला उसमें मैं एज डालना भूल गया, तो मैं जैसे एज डाल देता हूँ। तो एक्स वाई जेड कुछ भी अगर आप चेंजेस करना चाहें इसके अंदर तो आप कर सकते हैं इसको चेंज। ये कह रहा है कि अपडेट इन आइटम, मतलब कि जो आपके ऑलरेडी आइटम बने हुए थे उसमें भी इस ग्रुप को आप अपडेट करना चाहते हैं तो आप इसको यस कर सकते हैं। तो ये अपडेट हो गया। तो ग्रुप को कैसे मॉडिफाई करें, ग्रुप को बनाएं कैसे, आइटम को कैसे बनाएं, यूनिट को कैसे बनाएं, इन सभी चीज़ों को हमने डीपली समझा। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा।
तो आप हमारे चैनल पे ऐसे ही बने रहें, मैं आपको ऐसे ही सरल तरीके से वीडियो बनाकर आपको बताता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।